this video is brought to you by houseart download the app now क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम इलेवन पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो हमारे साथ खेलोगे हाउस पे खेलो लेजेंड्स के साथ हमें हरा और जीतो डबल कैश लॉग ऑन टू houseart.com एंड विन रियल कैश तीन नटराज बहुत से इंडियन क्रिकेट फैंस ने इस तेज गेंदबाज का नाम आईपीएल 2020 से पहले सुना भी नहीं था क्योंकि ये गेंदबाज आईपीएल का हिस्सा तो चार सालों से रहा लेकिन इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से असली मौका मिला यूएई में खेले गए आईपीएल में 19 सितंबर से 19 जनवरी जिंदगी चार महीनों में कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है उसका जीता जागता उदाहरण है थंगा रसू नटराजन यानी टी नटराजन तमिलनाडु में सेलम जिले के रहने वाले नटराजन का घर पहुंचने पर जो भव्य स्वागत हुआ वो उनकी बदली जिंदगी का गवाह है आईपीएल की सफलता के बाद ईशान भुवनेश्वर चोटिल थे टीम में सेलेक्ट हुए वरुण चक्रवर्ती को भी इंजरी हुई जो तो चयनकर्ताओं ने इस तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया लेकिन वहां जाकर सबसे पहले टी फिर वनडे और आखिर में टेस्ट सीरीज में खेलकर नटराजन ने दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली है नटराजन का ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत के बाद उनके घर पर शानदार स्वागत हुआ है इस भव्य स्वागत के बाद नटराजन ने क्रिक इन्फो से बात करते हुए बताया मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा ऐसा भव्य स्वागत होगा मैं अपने गांव के सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। ये मेरी जिंदगी का कभी ना भुला पाने वाला अनुभव है अब मैं इसे और बेहतर और बड़ा बनाना चाहता हूँ मैं सेलम को पहचान दिलाना चाहता हूँ ये सब भगवान के आशीर्वाद से हुआ है मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बता सकता ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चुना जाना मेरे लिए एक सपने के जैसा था नटराजन ने अपनी इस बातचीत में ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर डेविड वार्नर के साथ हुई बातों को भी बताया उन्होंने कहा उन्होंने मेरे बारे में ट्वीट करके कहा है कि उन्हें मुझ पर गर्व है वो सनराइजर्स टीम में मेरे कप्तान हैं मैच के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं क्योंकि मेरी बेटी के जन्म के बाद ही ये सब हो सका है टीम इंडिया में मिले मौके के बाद नटराजन प्रेशर में थे उन्होंने बताया मैं सिर्फ अपना काम करना चाहता था मुझे यह मौका अचानक से मिला मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कैनबरा में मेरा वनडे डेब्यू होगा मैनेजमेंट ने एकदम से मुझे खेलने के बारे में बताया और मैं प्रेशर में आ गया लेकिन मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था उस मौके पर मिला पहला विकेट मेरे लिए एक सपने जैसा था टी ट्वेंटी सीरीज में जीत के बाद टीम इंडिया की परंपरा के हिसाब से ट्रॉफी सबसे नए खिलाड़ी टी नटराजन के हाथों में सौंपी गई थी उन्होंने इस पल के बारे में भी बात करते हुए कहा मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी मैंने नहीं सोचा था कि विराट मेरे पास आएंगे और ट्रॉफी मेरे हाथों में पकड़ा देंगे मैं एक किनारे खड़ा था जब विराट जैसे दिग्गज ने आकर ट्रॉफी मेरे हाथों में पकड़ा दी मेरी आंखों में आंसू आ गए यह बेहद खास अनुभव था मैं इसे बयान नहीं कर सकता अपने बच्चे के जन्म पर भारत नहीं आ पाने पर नटराजन ने कहा अपने बच्चे के के जन्म को मिस करना करना थोड़ा मुश्किल था लेकिन देश का नेतृत्व मेरी पत्नी और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी है टी नटराजन ने ऑस्ट्रेलिया में टी ट्वेंटी वनडे और टेस्ट तीनों में डेब्यू किया गाबा में ऐतिहासिक जीत में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और टीम की जीत में अहम योगदान दिया आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप शुक्रिया